जिले में चल रहे विशेष शराबबंदी अभियान के तहत एसडीओपी अजीत पटेल और देवरी थाना प्रभारी गिरीश धुर्वे ने सहजपुर तिराहे के पास निजी होटल में छापामार कार्रवाई की, जहां अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। एसडीओपी अजीत पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी समय से सूचना मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। मौके से करीब 310 पाव शराब की बोतलें, 3000 रुपए नकद और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक युवक उदय रैकबार को भी हिरासत में लिया है। इस संबंध में काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। सहजपुर तगड़े पे दीप होटल करके दुकान है, सिर्फ नाम मात्र की होटल है। वहाँ पे ऐसी जानकारी मिली थी वहाँ अवैध रूप से शराब बिकती है और लोगों को बैठा के पिलाई जाती है। तो आज देवरी पुलिस के साथ उस पर छापा मारा गया, तो उसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 300 से 310 क्वार्टर देशी शराब है और कुछ एक आध दो क्वार्टर उसमें अंग्रेजी शराब है। 310 क्वार्टर मिले हैं, गिलास मिले हैं, 3000 रुपये नकद मिले हैं और करीब 50 से 100 खाली क्वार्टर देशी शराब जब्त किए गए हैं। इस संबंध में देवरी पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें मौके पर ही आरोपी उदय तथा तरबर टैकवाल मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है, जो काउंटर पर बैठ के सब कुछ शराब बेच रहा था और पिला रहा था। तरबर टैकवाल पुराना अपराधी है, तो उसी का लड़का है। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज़।